आज हम ऐसी दर्द भरी प्रेम कहानी, या यूं कहें एक अधूरी नितिन की प्रेम कहानी। नितिन को एक लड़की से प्यार हो गया। नहीं, सच बात तो यह है, एक गरीब लड़का नितिन को एक अमीर घर की लड़की से प्यार हो गया। लड़की का नाम रीचा थी। रीचा के प्यार में पागल नितिन अपने आप पर काबू न रख सका। एक दिन उसने रीचा को प्रपोज कर दिया। सोचिए आगे क्या हुआ होगा। आपने बिल्कुल सही समझा। अमीर लड़की जिसका नाम रीचा थी, नितिन का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारे पूरे महीने की कमाई और मेरे एक दिन का खर्चा एक के बराबर है। बस इतनी ही बराबरी है हम दोनों में, और बाकी सब जमीन और आसमान का जैसा है। तुम सोचते हो कि तुम जैसे किसी से मैं शादी कर सकती हूँ। मैं तुमसे प्यार करना तो दूर, ऐसा सोचना भी पसंद नहीं करूँगी। इसीलिए मेरे बारे में भूल जाओ और अपने स्तर की किसी और को ढूंढो और उससे शादी करो। सोचिए कि आप किसी से बेपनाह प्यार करते हो और वो आपको इतनी निर्दयता से सबके तीर आपके प्यार भरे दिल पर छोड़ दे, कैसा हालत होगा आपकी। बेचारा गरीब लड़का नितिन आहत होकर खून के आंसू लेकर वहां से इसे छुपा कर चला गया। इतनी कठोरता से ठुकराए जाने के बावजूद पता नहीं क्यों नितिन उसे कभी भी भुला नहीं पाया। शायद सच्चा प्यार ऐसा ही होता है। इस घटना को लगभग 2 साल बीत गए। एक दिन वो गरीब लड़का नितिन और अमीर लड़की रिचा गलती से एक शॉपिंग मॉल में टकरा गए। रिचा तो उस लड़के को पहचान लिया और कहा, अरे तुमने अपने स्तर की कोई लड़की ढूंढ कर उसे शादी की या नहीं। मैंने एक बहुत ही स्मार्ट आदमी से शादी कर ली है जिसकी एक महीने की सैलरी 10 लाख रुपये है। क्यों अच्छा हुआ ना मैंने तुमसे शादी नहीं की। नितिन उस लड़की की अब भी परवाह करता था। वो उसके दर्दनाक शब्दों उसने आज भी फल की तरह ही सुनकर अपने आंसू रोक लिए और कुछ नहीं कहा। लड़की अकेले मन नहीं मानते, उसका पति वो बात करके देख लिए उनके पास एक बच्चा। लेकिन इससे पहले कि लड़की कुछ हो पाते, उसके पति ने तुरंत उस लड़के को पहचान लिया जिससे वह बात कर रही थी और कहा, सर आप गुड आफ्टरनून सर, मुझे लगता है आप मेरी पत्नी से मिल चुके हैं। गुड आफ्टरनून लड़के ने लड़की के पति से कहा। फिर पति अपनी पत्नी रिचा को बोला, डार्लिंग मैं चाहूँगा कि तुम मेरे बॉस से मिलो। वे 100 करोड़ के उसी प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर हैं जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। लड़की जो सबका यू धन देख हैरान रह गए। अब साफ दिखाई दे पर रहा था कि न उसकी आंखें नहीं कुछ भी हो पाए। ऐसा स्थिति थी। लड़का बस मुस्कुराया और कहा, ठीक है मिस्टर, मुझे जाना और मेरे पास करने की बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज आपको देख कर बहुत अच्छा लगा। आपका दिन अच्छा रहे। कुछ देर के लिए पति पत्नी बस उस लड़के को जाते हैं। लड़के ने झटके से मारने की कोशिश करते अपने पति से पूछा, क्या वाक्य में यह आपका बॉस था। हाँ डार्लिंग, काफी विलन हो गए थे ना, लेकिन उनके जीवन के साथ काफी दिक्कत का अनुभव हो गया।
उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि एक और एक लड़की से प्यार करते थे, लेकिन उसने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वो तब गरीब थे। इस वजह से उन्होंने जीवन में कड़ी मेहनत की और उनके वो होशियार वो सफल हुए। अब वह एक गर्भवती हैं जो एक महीने में लाखों डॉलर कमाते हैं, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि वह उस लड़की से एकदम सच्चा प्यार करते थे, इसलिए वो आज तक भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। उन्होंने अब तक शादी नहीं की है। पति उसके गुनगुना गाता रहा। पति ने कहा, इतनी खुशनसीब होती हुई औरत अगर इस भले आदमी से शादी कर लेती। पत्नी पूरी तरह से सदमे में थी और एक शब्द भी नहीं बोल सका। दोस्तों, जीवन हमारी उम्मीद से भी छोटा है, इसलिए दूसरों को उनकी वर्तमान परिस्थितियों के कारण नीचा दिखाकर बहुत अभिमानी या गर्वित होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साथ चीज़ें और परिस्थिति बदलती रहती है। आज मैं अगर आप मेरे साथ ऐसा हुआ है तो आप मेरा जीवन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए।